स्वागत है दोस्तों आप सबका आज के इस धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अजमन वर्सेज एमिरेट ब्लू क्रिकेट मैच के ड्रीम इलेवन टीम प्रिडिक्शन के बारे में। सो बेस्ट विनिंग टीम में आपको बना के देने वाला हूँ, पिच रिपोर्ट बताने वाला हूँ, कैप्टन कैसे बनाना है, वाइस कैप्टन कैसे बनाना है, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो की। सो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, एमिरेट डी 50 टूर्नामेंट 2023 का 13वां मैच है ये, जहाँ पे अजमन का मुकाबला एमिरेट ब्लू से होने जा रहा है। और ये जिस ग्राउंड पे मैच खेला जाएगा उस ग्राउंड का नाम है मेलेक क्रिकेट ग्राउंड 2 अजमन। सो इस मैच की पूरी जानकारी आपको बता दूं, अजमन वर्सेज एमिरेट ब्लू 13वां मैच है ये, 15 नवंबर 2023 को शाम को 6 बजे ये मैच खेला जाएगा। मेलेक क्रिकेट ग्राउंड 2 अजमन में ये मैच खेला जाएगा। पूर्व अवलोकन की अगर अपन बात करें तो देखिए, अजमन ने इस श्रृंखला में 3 मैच खेले और वे फिलहाल अंक तालिका में 5वें स्थान पर है, जबकि एमिरेट ब्लू ने इस श्रृंखला में 4 मैच खेले और वे वर्तमान में अंक तालिका में 6ठे स्थान पर है। बात करें पिच रिपोर्ट की तो देखिए, मेलेक क्रिकेट ग्राउंड 2 अजमन में ट्रैक काफी संतुलित है, जिसमें बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को ही मदद मिल सकती है। पिछले 11 मैचों में इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर 224 रन है। दोनों टीमें टॉस जीतकर पीछा करने की कोशिश करेगी, क्योंकि इस मैदान पर खेले गए अधिकांश मैच पीछा करने की टीम ने जीते। मैदान तेज गेंदबाज और स्पिन गेंदबाज दोनों के लिए समान रूप से अनुकूल है। बात करें सीधे मुकाबलों की तो इन दो टीमों के बीच खेले गए एक मैच में एमिरेट ब्लू ने 0 और अजमन ने 1 मैच जीता है। अजमन के खिलाफ एमिरेट ब्लू का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है और यह रुझान जारी रह सकता है। एमिरेट ब्लू के बल्लेबाजों ने अपनी टीम के लिए सबसे अधिक फैंटेसी अंक अर्जित किए, जबकि ऑलराउंडर ने अजमन के लिए सबसे अधिक फैंटेसी अंक प्राप्त किए। सो अब यहाँ पे बल्लेबाज विकेट कीपर आप देख सकते हैं, 3 बल्लेबाज विकेट कीपर बताने जा रहा हूँ। पहला है उस्मान खान, 4 मैचों में 313 रन बना चुके हैं। लास्ट मैच में दोहरा शतक जो है इन्होंने बेसिकली लगाया, 204 रन बनाए। दूसरा है आर्यन शर्मा, 5 मैचों में 108 रन बना चुके हैं। तीसरा है आसिफ खान, 5 मैचों में 177 रन बना चुके हैं। बात करें 3 गेंदबाजों की तो पहला है हरित सेठी, 3 मैचों में 16 रन बनाए, 7 विकेट लिए। दूसरा है अमार बादामी, 3 मैचों में 21 रन बनाए, 1 विकेट लिया। तीसरा है अंकुर सागवान, 3 मैचों में 11 रन बनाए, 2 विकेट ले चुके हैं। बात करें ऑलराउंडर खिलाड़ियों की तो पहला है अयान खान, 3 मैचों में 143 रन बनाए। दूसरा है ध्रुव परासर, 3 मैचों में 83 रन बनाए, 1 विकेट लिया। तीसरा है आर्यन लाकरा, 3 मैचों में 189 रन बनाए, 1 विकेट लिया। बात करें पिछले मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की तो उसमें आर्यन लाकरा एंड अयान खान, उमेद रहमान जैसे खिलाड़ियों के नाम निकल के आते हैं। अब कप्तान और उपकप्तान के बारे में आपको बता दूं तो कप्तान ऑफकोर्स आपको उस्मान खान को सिलेक्ट करना है, उपकप्तान की बात करें तो हरीश सेट्टी को आपको सिलेक्ट करना है। बात करें दोनों टीमों के स्क्वाड की तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे दोनों टीमों का स्क्वाड देख ही पा रहे हो। अब बात करते हैं फैंटेसी टीम प्रेडिक्शन की। सो देखिए, विकेट कीपर के तौर पर आर्यन शर्मा एंड तनीश सूरी को आपको लेना है। बल्लेबाज के तौर पे उस्मान खान और एथान डिसोजा को लेना है। ऑलराउंडर के तौर पे अयान खान, ध्रुव परासर और मोहम्मद फराजुद्दीन को लेना है। गेंदबाज के तौर पे हरित सेठी, अमार बादामी, हर्षित सेठ और अंकुर सागवान को आपको लेना है। कप्तान आप अयान खान को बना सकते हो, उपकप्तान हर्षित सेठ को बना सकते हो। सो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल में पहली बार आए हो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।